नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं द फोर्थ कॉलम। 17 जुलाई को अपने बहुप्रतीक्षित फैसले में ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है और पाकिस्तान को दोबारा इस फैसले पर समीक्षा करने को कहा है। इस फैसले को नई दिल्ली की इस्लामाबाद के ऊपर एक डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। ICJ ने पाकिस्तान को पूर्व भारतीय नेवी अफसर को कंसुलर एक्सेस न देने के लिए फटकार भी लगाई है। कंसुलर एक्सेस का मतलब होता है कि किसी भी देश के नागरिक को उसके देश से बाहर यदि गिरफ्तार किया जाता है तो इसके बाद जिस देश का वो निवासी है उसके एम्बेसी को सूचना देनी होती है। कंसुलर एक्सेस न देना वियना कन्वेंशन जो कि 1963 में हुआ था उसके आर्टिकल 36 का उल्लंघन करना है और इसी वजह से ICJ ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। हालांकि ICJ ने भारत की मिलिट्री कोर्ट के फैसले को रद्द करने और कुलभूषण जाधव को रिहा कर सकुशल घर भेजने की अपील खारिज कर दी। सरल शब्दों में कहें तो फैसला यह आया है कि जाधव को कंसुलर एक्सेस और कानूनी सहायता दी जानी चाहिए, मगर इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है कि उनका ट्रायल सिविलियन कोर्ट में चले। फिलहाल जाधव की फांसी को निलंबित कर दिया गया है और पूरे केस और फैसले की फिर से समीक्षा करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट का वर्डिक्ट जो कि 42 पन्नों का था उसे जज अब्दुल कावी अहमद यूसुफ ने पढ़ा। इस फैसले के पक्ष में 15 जज थे जिसमें चीन के जज भी शामिल थे। सिर्फ पाकिस्तान के एडहॉक जज जस्टिस तसादुक हुसैन जिल्लानी की राय इसके विपरीत थी। गौरतलब है कि चूंकि ICJ के 10 जजों वाली समिति में भारत के जस्टिस दलवीर भंडारी भी शामिल थे, इसलिए पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस तसादुक हुसैन जिल्लानी को भी एडहॉक जज बनाकर कमेटी में शामिल किया गया। आइए अब सरल शब्दों में समझते हैं कि ICJ कोर्ट के उस वर्डिक्ट में आखिर था क्या। कुलभूषण जाधव की राष्ट्रीयता पर कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलों से यह साफ होता है कि कुलभूषण जाधव भारतीय हैं। कई बार खुद पाकिस्तान ने अपनी चिट्ठियों में कुलभूषण जाधव को इंडियन नेशनल कुलभूषण सुधीर जाधव कहकर संबोधित किया है, इसलिए उनके राष्ट्रीयता पर शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती और ICJ उन्हें भारतीय मानता है। पाकिस्तान के कंसुलर एक्सेस न प्रोवाइड करने की बात करें तो 21 मार्च 2017 को पहली बार पाकिस्तान ने भारत की कंसुलर एक्सेस देने की मांग पर रिस्पॉन्ड किया था, जिसमें उन्होंने इसे कंसिडर करने की बात भी कही थी। इसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान के भारत पर जांच में सहायता न करने के आरोप के बावजूद कोर्ट पाकिस्तान को वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के पैराग्राफ 1 का उल्लंघन करने का दोषी मानता है और कुलभूषण जाधव को कंसुलर एक्सेस न देने की बात को भी जस्टिफाई नहीं करता है। इसी बारे में पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के जासूसी में सम्मिलित होने का आरोप भी लगाया था और इसे कंसुलर एक्सेस न देने की एक दलील में शामिल किया था, जिसे कोर्ट ने पूरी तरह ठुकरा दिया। ICJ ने पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के पैराग्राफ 1 के बारे में जानकारी नहीं देने के लिए भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि कुलभूषण जाधव को उनके अधिकारों की जानकारी न देने की बजाय पाकिस्तान लगातार उनके जासूसी में सम्मिलित होने की बात दोहराता रहा, जबकि नियमों के अनुसार पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को यह जानकारी पहले ही दे देनी चाहिए थी। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि जब 3 मार्च 2016 को कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया गया था तब उनके पास जो भारतीय पासपोर्ट था उस पर उनका नाम हुसैन मुबारक पटेल लिखा हुआ था। कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान के पास सभी जरूरी कारण थे ताकि वह भारत को इस बात की सूचना दे सके, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। गिरफ्तारी के 3 हफ्तों बाद यानी 25 मार्च को पाकिस्तान ने भारत को सूचना दी। यहाँ भी कोर्ट ने वियना कन्वेंशन का यह मुद्दा रखा कि संबंधित देश को सूचना गिरफ्तारी के तुरंत बाद और इंटेरोगेशन से ठीक पहले देनी होती है और यहाँ भी पाकिस्तान ने नियमों का उल्लंघन किया। अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या। ICJ ने अपने वर्डिक्ट में जाधव के लिए लीगल रिप्रेजेंटेशन की बात कही है, जिसके बाद अब पाकिस्तान के लिए इसकी समीक्षा और भी मुश्किल भरा काम होगा। सीनियर अधिवक्ता हरीश सालवे ने लंदन में कहा कि अगर पाकिस्तान अपने मिलिट्री कोर्ट में सुनवाई करता है तो उसे लीगल रिप्रेजेंटेशन के लिए अपने कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। पाकिस्तान की वह दलील जिसमें उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच 2008 में द्विपक्षीय समझौते का हवाला दिया था कि उस समझौते के बाद 1963 में हुए वियना कन्वेंशन के नियम जिसमें कंसुलर एक्सेस की बात कही गई है उसे पॉलिटिकल या सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर नज़रअंदाज किया जा सकता है। इस पर भी ICJ ने कहा कि इस तरह के द्विपक्षीय समझौते के नियमों को एडिशनल या फिर सप्लीमेंट्री लेना चाहिए और न कि रिप्लेसमेंट के तौर पर। अब आगे यह देखना है कि पाकिस्तान किस तरह से कुलभूषण जाधव के मामले पर फिर से सुनवाई करता है और फिर से इस पूरे केस के ऊपर समीक्षा करने के बाद क्या फैसला आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द फोर्थ कॉलम को सब्सक्राइब करें।